सत्यनारायण भगवान की व्रत कथा प्रारंभ होती है और सत्यनारायण भगवान की व्रत कथा के लिए सबसे पहले हमको क्या है, अपना आत्मशुद्धि, अपना अपना जो है कर्म, अपना मुंह शुद्ध करने का है। पानी पीने से कूड़ा करने से नहीं होता, उस मुंह से हमको क्या बोलना है, मंत्र बोलना है। क्या बोलना है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। अत श्री सत्यनारायण व्रत कथा प्रारंभ ये था। व्यासो वाचा व्यास जी कहते हैं, एक समय नौवे कारण नामक तीर्थ में 88,000 ऋषिगणों ने एक सभा का आयोजन किया। उस सभा के आयोजन के समय में वहां पर वेद व्यास जी के परम शिष्य सूत जी महाराज का आगमन हुआ। जैसे ही वहां पर सूत जी महाराज आए, जितने भी वहां पर 88,000 ऋषिगण बैठे थे, सबने उठ करके उनका अभिवादन किया। तत्पश्चात सोनक आदि ऋषियों ने अर्घ पात्र दे करके उनका यथोचित सम्मान किया और फिर उनसे निवेदन किया, हे सूजी महाराज, हम सब लोग यहाँ पर शोक सागर में निमज्जित हुए जा रहे हैं और आपका आना हमारे लिए अति सौभाग्यदायक है। आपका आना हमारे लिए उसी प्रकार है जिस प्रकार के डूबते हुए को तिनके का सहारा होता है। हे प्रभु, हमने ये सभा क्यों बुलाई, क्योंकि कलयुग निकट आने वाला है। कलयुग में धर्म की रक्षा, पाप का प्रायश्चित कैसे होगा। अब हम इसी सोच विचार में है कि इसके विषय में किसको, किससे विचार विमर्श करें, किसको पूछा जाए। जब हमारे पूज्य श्री हमारे गुरुदेव जब पधारे हैं, तो हे प्रभु, आप आज का सभापति का पद आपको ही ग्रहण करके करना पड़ेगा और आपके मुख से हम इस दुविधा से दूर होंगे। आपके आपके मुख से जो प्रवचन सुनेंगे उसी से हमारा कल्याण होगा, इस हमारी समस्या का समाधान आप ही करोगे कि कलयुग में पापों का प्रायश्चित और मनुष्य को अमित फल की प्राप्ति कैसे होगी। ऋषियों के मुख से जब ऐसी वाणी सूजी महाराज ने सुनी, वे बड़े प्रसन्न चित्त होकर के कहने लगे, हे महर्षियो, तुम धन्य हो। अरे, तुमने जन कल्याण की बहुत अच्छी बात हमसे करी है, इससे पृथ्वी में समस्त प्राणी मात्र का कल्याण होगा। और जिस प्रकार का प्रश्न आप लोगों ने मुझसे किया, इसी प्रकार का प्रश्न एक बार देव ऋषि नारद जी ने भी भगवान विष्णु से किया था। और जो भगवान विष्णु ने देव ऋषि नारद को बताया, वो मैं आपको बताता हूँ। एक बार देव ऋषि नारद जी अपने हृदय में जन कल्याण की भावना को लेकर के अनेक लोगों में घूमते फिरते हुए मृत्यु लोक में आए। मृत्यु लोक में आकर के नारद जी ने क्या देखा, मृत्यु लोक का प्राणी नाना प्रकार के क्लेश में क्लेश। उन सभी दुखी जीवों को देख करके नारद जी के मन में दया आई, उनका मन दयाल हो उठा। मन में विचार करने लगे, ऐसी कौन सी भक्ति, कौन सी युक्ति है जिसके करने से मनुष्य को अभी फल की प्राप्ति हो गए, उनका पापों का प्रायश्चित हो गए। इसी सोच विचार में नारद जी बहुत गंभीर से विचार करने लगे। परंतु नारद जी तो विशाल बुद्धि के भंडार थे, उनके दिमाग में तुरंत बात आ गई कि सारी संसार की नाव को खेवैया, नाव की खेवैया तो भगवान विष्णु है, क्यों नहीं उनके पास जाया जाए। और उन्होंने प्रण कर दिया कि मैं भगवान विष्णु से ही क्या इसके विषय में पूछूंगा। विष्णु लोक को उपागत था, विष्णु लोक के लिए चले गए। जैसे वे विष्णु लोक के करीब गए, तो दूर से क्या देखते हैं कि क्षीर सागर में शेष नाग की सैया में भगवान विष्णु लेते हुए और कर्मसा उनकी चारों भुजा में संघ चक्र गदा पद्म विभूषित है, उनकी गिरिमा में बन माला सुशोभित है। माता लक्ष्मी जी उनके पांव दबा रही हैं। अब नारद जी मन में विचार कर रहे हैं कि मैं डायरेक्ट वहां पर चला जाऊं तो मैं अच्छी बात के लिए जा रहा हूं, कोई प्रश्न हल करने के लिए, और मैं वहां पर जाऊं वो सोचेंगे कि ये एकदम से ये हड्डी में कबाब कहाँ से बन गया, कबाब में हड्डी कहाँ से बन गया, ये एकदम कैसे आ गया, हमको बताया देना। अब आजकल की बात होती तो आप मोबाइल से बता देते कि भाई मैं आ रहा हूँ, लेकिन उस वक्त भी उनके पास दिमाग भी था और उसके पास साधन भी था। नारद जी ने सोचने में ज्यादा देर नहीं लगी, उन्होंने तुरंत अपने वीणा निकाली
और वो समझने लगे, उन्होंने सोचा कि वीणा में मैं उनका भजन करूंगा, वीणा की आवाज और मेरे भजन का गुणगान उनके कानों में जाएगी तो वो तुरंत समझ जाएंगे कि नारद जी आए, और वे नारद जी का भजन गाते गाते आगे चलने लगे। भजमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 हरिमन नारायण 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 भजमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 वज्री नारायण 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 वज्री नारायण 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 भजमन नारायण 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 भगवान की जय। अब जैसे ही उनकी धुन और वीणा की आवाज उनके कानों में पड़ी, लक्ष्मी जी से कहा, हे प्रिय, वीणा की धुन और नारायण नारायण की स्तुति गाते हुए देव ऋषि नारद जी कहीं नजदीक आ चुके हैं। और नारद जी का आना कभी अच्छा भी है और बुरा भी है, कहीं आग लगा देता है कहीं आग बुझा देता है, इसलिए उनको मैं उनका स्वागत के लिए दरवाजे में सामने जाता हूं और आप अपने कमल आसन में विराजमान हो जाइए। माता जी कमल आसन में विराजमान हो गई और जैसे ही नारद जी भगवान विष्णु के द्वार पर पहुंचे तो क्या देखते हैं, भगवान विष्णु द्वार पर खड़े। नारद जी बड़े लज्जित हो गए, इतना बड़ा देव मेरे स्वागत के लिए वीणा की आवाज सुनते ही और मेरे स्वागत के लिए दरवाजे पे खड़े हैं। नारद जी की हिम्मत नहीं हुई कि उनसे नजरों में नजर मिलाने की, उनसे आंख नहीं मिला पाए। भगवान खड़े थे, उनके चरण कमल साफ दिखाई दे रहे थे और वे उनके चरणों पर लपट करके उनको दंडवत प्रणाम किया। जैसे ही दंडवत प्रणाम किया तो भगवान ने उनसे कहा, हे महाभाग, किस कारण से आप मेरे यहाँ पर आए हो, आपके हृदय में जो भी बात है मुझसे कहो, मैं उसका उत्तर दूंगा। नारदो वाचा नारद कहने लगे, हे देवादिदेव, हे प्रभु, आपका न आदि है न मध्य है न अंत है, आप निर्गुण और त्रिगुण की आत्मा है। हे दीनानाथ, मैं अपने हृदय में जन कल्याण की भावना को लेकर के समस्त लोकों में घूमते फिरते हुए मृत्युलोक में गया और मृत्युलोक का प्राणी मैंने नाना प्रकार के क्लेश में कलेशित देखा। हे दयानिधे, उन सभी जीवात्माओं के निर्वत कोई ऐसा लघु उपाय बताइए प्रभु, जिसके करने से मनुष्य को अभिष्ट फल की प्राप्ति होवे और उनका पापों का प्रायश्चित। अब यहां पर दो शब्द है, एक तो अभिष्ट फल की प्राप्ति है और एक पापों का प्रायश्चित, तो दोनों एक ही चीज से नहीं होगा। अभिष्ट फल की प्राप्ति तब होती है जबकि कोई सत्कर्म करता है, और पापों के प्रायश्चित तब होता है जब भगवान का नाम लेते हैं। तो सुनते ही भगवान बड़े खुश हो गए और भगवान देवादिदेव श्री सत्यनारायण स्वामी भगवान विष्णु कहने लगे, हे नारद, तुम धन्य हो, साधु तो या बत्सा, धन्य हो नारद, तुम्हारे जैसों को हमारे शास्त्रों में साधु शब्द से विभूषित किया गया। साधु किसे कहते हैं, जो कभी किसी को दुख नहीं देता, दूसरे के दुख में अपने शरीर को कष्ट पहुंचाने वाले को साधु कहते हैं। गिरवे वस्त्र धारण करने जटाजूट रमने से साधु नहीं बन जाता, साधु तुम्हारे हमारे जैसे भी बन सकते हैं, जो कि किसी गरीब के किसी दुखी का सहारा बनता है और जो दूसरे के दुखों को दूर करता है। भगवान कहते हैं, मैं उसके दुखों को स्वयं दूर करता हूँ। दूसरों का दुखड़ा दूर करने वाले तेरे दुख दूर करेंगे राम, किए जतु जग में भलाई का काम, कि तेरे दुख दूर करेंगे राम। तू भलाई का काम करता जा, तू परोपकार का काम करता जा, तेरे दुख स्वयं भगवान दूर करेंगे। और नारद जी से कहने लगे, हे नारद, इस कलिकाल में जो भी भगवान सत्यनारायण स्वामी का व्रत कथा को करेगा, वो इस लोक में समस्त सुखों का उपभोग करके अंत में परम धाम का भागी बनेगा।
सत्यनारायण व्रत कथा का मतलब क्या है कि सत्यनारायण का मतलब सत्य यानी सत्य कर्म करना, सत्य बोलना, न देख बुरा, न कर बुरा, न सोच बुरा, न सुन बुरा, असत्य कर्म कर, सत्य बोल, असत्य में बुझे का सत्य, एक दिन तुम सत्य को अपना दिया तुम्हारी निश्चित विजय प्राप्त होगी। सत्य में बुझे का सत्य की सदा विजय होती है। तो भगवान कहते हैं हे नारद जी सत्यनारायण भगवान की व्रत कथा करिए। तो नारा, नारा बोलते हैं आवाज के लिए, अयन यानी जीभ, उस आवाज को अपने जीभ से सुंदर बोलिए, जिस जो शब्द तुमको बुरा बोलना है उसको भला करके बोलिए, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, इज्जत सबकी होती है। जैसे आप अपने लिए चाहते हो दूसरे के लिए भी बोलो, उसको भगवान उसी को वही पापों का प्राचित, वही हमारे यानी सत्कर्म सिद्धि उसी में प्राप्त होती है। भगवान कहते हैं सत्यनारायण व्रत बोलते हैं। व्रत के दो अर्थ होते हैं, एक अर्थ होता है प्रतिज्ञा करना और एक होता है बर्ताव करना। जैसे आप अपने लिए अच्छा बर्ताव चाहते हैं तो दूसरों को भी ऐसे बर्ताव करें और प्रतिज्ञा कर लें, व्रत कर लें कि मैं आज के बाद कभी जिंदगी में झूठ नहीं बोलूंगा भले मेरी गर्दन चली जाए। ऐसा करने से अविष्ट फल की प्राप्ति होती है और भगवान का पापों का प्राचित करने के लिए इस प्रकार के, जैसे आप लोगों ने यहाँ पर फल फूल नारियल वगैरह सब सामान रखा हुआ है, इस प्रकार का करने से भगवान का नाम लेने से, कथा उनके नाम लेने से, उनके नाम करने से भगवान का एक नाम सहस्त्र पापों को दूर कर देता है। तो उसी प्रकार भगवान सत्यनारायण की कथा में जो भगवान का गुणगान करते हैं उनके पापों का प्राचित होता है। खाली कथा सुनने से ही नहीं होता है कि कथा तो ब्राह्मण बोल रहा है, तुम क्या कर रहे हो, तुम खाली सुन रहे हो, लेकिन नहीं, ब्राह्मण के साथ साथ में जो आचार्य गान, जो आचार्य भजन कीर्तन करते हैं तुम्हारे मुख से भी वो गुणगान आना चाहिए, उसी से पापों का प्राचित होता है। और कदाच अगर ऐसा ना हो तो हर घड़ी जरा से अपने से भूल चूक हो जाती है, इधर उधर नजर हो जाती है, कथा सुनने में कोई आ जाता सामने नजर चली जाती है तो पाप लगता है, बीच में बाधा छूट जाती है, तो उस वक्त तुरंत ही नमो भगवते वासुदेवाय वायमा द्वादश मंत्र का जाप कर लेना चाहिए। इस प्रकार सत्यनारायण की व्रत कथा के लिए भगवान बताते हैं कि सत्य इस कथा के लिए कोई दिन बार नक्की नहीं है, अस्मित कस्मित दिन है, कभी भी इस व्रत कथा को कर सकते हो, क्योंकि नारद जी ने क्या कहा कि इस व्रत कथा का कोई दिन बार नक्की है, कब करना चाहिए, क्या इसका खर्चा होगा, तो भगवान बोलते हैं इसमें दिन बार की कोई जरूरत नहीं है, अस्मित कस्मित दिन है, जब भी तुम्हारे मन में हो कि मुझे कथा करने तो कर डालने का, झूठ नहीं बोलने का कि बस मैं ये मेरा ये बन जाएगा तब करो, मेरा लड़का भर्ती हो जाएगा तो वो भर्ती होने में भी उसके बहुत हालत खराब हो जाएगी, मुश्किल से भर्ती हो, अगर तुमने कथा कर लिया भगवान के नाम से तुमने कुछ अगर दिया तो निश्चित वो भर्ती होगा, और तुम ये सोचो कि पहले भर्ती हो जाएगा तब करूंगा तो भैया उसमें भगवान मदद नहीं करते, लारा लपा देने की जरूरत नहीं पड़ती। भगवान की कथा में सवा मण सवा पांसे सवा शेर गेहूं का आटे का नैवेद्य बनावे, जिसको प्रसाद कहते हैं, और प्रसाद का दूसरा नाम है पुण्य। प्रसाद खा करके पुण्य जागृत होते हैं, पाप भूल जाते हैं, उस पुण्य को खा करके पुण्य जागृत होते हैं, और प्रसाद में सवा मण सवा पांसे सवा शेर गेहूं का आटे का नैवेद्य बनाते हैं। कदाच गेहूं का आटा न हो तो साली चूर्ण से चावल का आटे को भी सवाया मात्रा में भगवान को अर्पित करें, गाय का दूध दही घी मधु और शक्कर से भगवान को स्नान कराएं, जैसे आपके सामने अभी हुआ है। इस प्रकार कथा अपने कुटुंबी जनों के साथ में, इष्ट मित्रों के साथ में कथा श्रवण करनी चाहिए, कथा वाचक ब्राह्मण को दक्षिणा प्रदान करके कुटुंबी जनों के साथ में कथा श्रवण करके, इस प्रकार जो भी इसको करता है, इस कथा को सुनता है या करता है, उसके सब प्रकार के मनोरथ सिद्ध होता है। भगवान कहते हैं धौम धतिंग से मैं दूर रहता हूँ, छल कपट मोई नहीं भावा, निर्मल मन सोई मोई पावा। भगवान कहते हैं अपने मन साफ होना चाहिए, कथा में बैठे हुए हैं मन में बुरे बुरे विचार आ रहे हैं लोगों के प्रति दुश्मनों के प्रति, तो वो नहीं चलेगा कथा में भगवान के प्रति। और जब आप साल भर में एक बार कथा करते, सारी साल भर आपने निगारी कितने पाप किए होंगे, कितनी बार झूठ बोला होगा कितनी बार, लेकिन कथा वाले दिन ना झूठ बोलना न पाप करना न कुछ, सारा एक दिन में करने से साल भर के जितने भी पाप है सब नष्ट हो जाते हैं।
रुद्दीन न किसी के प्रति बुरा सोचना, न किसी को बुरा करना, न बुरा बोलना, और अपने भगवान के ही धुन में मस्त रहना, कथा श्रवण करना। और इस तरह से जो भी कलयुग में इस तरह से सत्यनारायण भगवान की कथा करेंगे या सुनेंगे, इस लोग में सब सुखों को भोग करके अंत में वह परम धाम का भागी बनता है। इति देवा प्रणम सत्यनारायण कथायाम प्रथमम। हाथ जोड़िए, भगवान का ध्यान करिए।